सर, जो आज यहाँ पे जीवल चौक में हमने तो कई बार देखा है, कई जगहों पे ऐसे हट्स खुले हुए हैं, मगर खासकर आज जो हमने देखा नौजवान वर्ग यहाँ पे आया हुआ है और हमने यहाँ पे एक बिजनेस, नया बिजनेस शुरू किया, नया ट्रांसफर, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आज प्राउड से कहूँगा, पीपल लाइक सनी, यंगस्टर्स मेरे साथ खड़े हैं, सनी जी, इनके फिर पिताजी भी हैं, और जहाँ पर एक सोच थी कि मैं बाहर जाकर कुछ करूँगा, और आज इनको इस सोच से ये रिवर्स हुए, और एक इन्होंने अपनी ब्रांच वहाँ पर भी, अगर कुलचाट भी खोली है, आज यहाँ पर इतना बड़ा इन्होंने एक आउटलेट अपना यहाँ पर खोल दिया है, यहाँ पर जहाँ पर कुलफाट करके, मुझे लगता है कि एक बेहतरीन शुरुआत है। जहाँ पर स्टार्टअप्स की जब मैं बात करूँ, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, हमें जॉब्स देनी है और अपनी देश की इकोनॉमी को आगे लेके जाना है, तो ये जवान सामने आपके एग्जांपल हैं, और कितनी बेहतरीन यहाँ पर क्वालिटी, अभी मैंने टेस्ट भी किया, बेस्ट पार्ट है कि बहुत सी ऐसे खुल जाते हैं तो उसके बाद वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और जिस तरीके एक लाइव एग्जांपल इन्होंने गांधीनगर में अपना कुलचा हट चला रहे हैं, उन्हीं की चेन है जो यहाँ पर आज इन्होंने ओपनिंग की, और मुझे लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि पूरे जम्मू हाइट्स यहाँ पर आएंगे और इनका यहाँ पर टेस्ट करेंगे, बिकॉज मीठे की अगर बात करो बिल्कुल मेंटेन है, और मुझे लगता है कि अगर कोई डायबिटी आदमी भी है वो भी ले सकता है, जिस प्रकार का मैंने अभी टेस्ट ही किया, तो बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ कि एटलीस्ट वो सोच जिस पे हम रोज़ एक जोर से एक अपनी बात रखते हैं, क्योंकि बिकॉज जिस तरीके आज भारत की अगर आप बात करें, इकॉनमी एक पाँचवें नंबर पर, बड़ी जल्दी ही तीसरे स्थान पर जाएगी, वो तभी होगी, जीती एग्जाम्पल यही है कि ऐसे युवा जो अपना सोच को छोड़ के कि बाहर के देशों में जाकर हमें नहीं बढ़ाना है और यहाँ पर बैठ के अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो दैट इज़ द रियल ब्यूटी जो मुझे सबसे अच्छी लगी बीइंग एज ए जम्मूइट। मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सनी जैसे यंगस्टर्स आगे आ रहे हैं, और जिस तरीके यहाँ पर आए, आगे रोज़गार भी देंगे तो उसी तरीके अपना व्यापार भी करेंगे, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैं। शुक्रिया सनी जी। हम सनी जी आपसे ही पूछना चाहेंगे, कैसे ये आइडिया आया आपको खासकर फूड चेन में आने के लिए, जो आपका जो फूड का है, आप कुलचा भी, आपका जम्मू कुलचा भी है वगैरह, आज आपने यहाँ पे कुल्फा भी यहाँ पे जम्मू कुल्फा के नाम से खोल दिया, ये आइडिया कैसे लिया आपने और किस कैसे इस बिजनेस में आने का आपका ये? पहले तो सबको नमस्ते, मेरा यही था कि फूड लवर था, मैंने कहा चलो अब किसी को क्वालिटी अच्छी देनी है, पहले कुलचा हट से स्टार्ट किया अपना अमृतसरी नान, उनको लोगों को बहुत टेस्टी लगा, फिर मैंने कहा कुल्फा एक स्वीडिश डेजर्ट भी होना चाहिए, और आज वो करते करते लोगों को, आज मैंने स्वीडिश वगैरह आज ओपनिंग करवाई है द कुल्फा हट की, तो वो लोगों को बहुत अच्छा लगा, जैसे कि सर ने अभी खाया, बिल्कुल मिनिमम शुगर, सारे ट्राई कर सकते हैं, ऐसे ही लोगों का प्यार, जम्मू वालों का प्यार आया, तो मैंने स्टार्टिंग अपना एक काम किया और बड़ा लोगों को पसंद आ रहा है, और मैं आशा करता हूँ कि कुल्फा हट भी लोगों को पसंद आएगा। सर, इसमें कुल्फा में हम कहना चाहते हैं, कुल्फा हट आपने यहाँ पे खोल दिया, हमने एक वैरायटी तो हमने कर ली, क्या इसमें और भी कुछ वैरायटीज आप देंगे जम्मू के लोगों के लिए? जैसे जैसे लोगों का प्यार आता रहेगा, इसमें बड़ी वैरायटी है, केसर वाला कुल्फा है, आगे आगे हम और मेन्यू अपना बढ़ाएंगे, जैसे मिल्क की बॉटल होती है, दूध वाली बॉटल होती है, वो भी बढ़ाएंगे, जैसे जैसे प्यार आएगा वैसे वैसे आगे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे।